नमस्कार दोस्तों, आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार में स्पॉट बिलिंग पिछले 6 वर्षों से चल रहा है। मीटर रीडर जाता है, इस तरह आपको एक लंबा सा बिल दे देता है और कभी कभी आप इस बिल को समझ नहीं पाते। अगर आप समझते हैं तो ठीक है, और अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं बिल को तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह अपने बिल को समझ जाएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा बड़ा करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इस बिल में ये लिखा हुआ है NBPDCL। आप जानते हैं बिहार में दो वितरण कंपनी है, NBPDCL और SBPDCL। तो जिस बिजली कंपनी का ये बिल है वो पहले लिखा रहता है, फिर बिल में नोटिस रहता है। अगर आपका पिछला बकाया है तो डिस्कनेक्शन का नोटिस 15 दिनों का बिल में ही आजकल रहता है। इसके बाद ये जो है बिल, जिस दिन आपको स्पॉट बिलिंग हुआ है उसका डेट टाइम है, ड्यू डेट है, जो जिस बिलिंग डेट से 15 दिन रहता है आप जानते हैं। उसके बाद कंज्यूमर का डिटेल है, कंज्यूमर के डिटेल में बिल नंबर है। उसके बाद जिस डिवीजन और सब डिवीजन का है वो लिखा हुआ है। यहाँ जो आप FAA देख रहे हैं ये कोड है, SAP का कोड है। इसी तरह रूरल एरिया में भी कुछ अपना कोड होता है। और फिर आया सबसे महत्वपूर्ण CA नंबर, अर्थात कंज्यूमर अकाउंट नंबर, हिंदी में इसको खाता संख्या भी बोलते हैं। जिस तरह बैंक में आपका अकाउंट नंबर होता है उसी तरह स्पॉट बिलिंग में आपका अकाउंट नंबर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बिल डाउनलोड करने, बिल पेमेंट करने, सारे कम्युनिकेशन में ये उपयोग होता है। और ये जो लिगेसी नंबर है ये है पुराना कंज्यूमर नंबर, ओल्ड ID भी इसको बोलते हैं। उसके बाद ये MRU है, MRU जो होता है कुछ कंज्यूमर का ग्रुप बना के मीटर रीडर को बिलिंग करना होता है, तो वही मीटर रीडिंग यूनिट है। जनरली 200 से 250 इसमें कंज्यूमर रहते हैं। उसके बाद ये नाम पता रह गया और ये मोबाइल नंबर रह गया। और उसके बाद पोल नंबर, जिस पोल से आपका सप्लाई है, क्योंकि पोल में भी नंबरिंग होता है, अगर वो नहीं है अपडेट तो यहाँ नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद मीटर नंबर होता है, आप अपने मीटर में देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिक सीरियल नंबर होता है तो वो आप मिला लीजिए वो अपडेट है कि नहीं, यही है मीटर नंबर। उसके बाद आपका हो गया मीटर किसका है, आपका है या कंपनी का है, वितरण कंपनी का है तो कंपनी लिखा रहेगा, नहीं तो यहाँ कंज्यूमर लिखा रहेगा। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पैरामीटर हो गया कैटेगरी, अर्थात आपका किस कैटेगरी का कनेक्शन है, यहाँ लिखा है DS2D। यहाँ जो लास्ट वाला D है इसका मतलब हुआ डिमांड बेस्ड। DS2D जो है वो शहरी घरेलू उपभोक्ताओं का कैटेगरी है। उसके बाद ये सैंक्शन लोड कॉन्टेक्ट लोड है, और चूंकि आप डिमांड बेस्ड हो गए हैं इसलिए कॉन्टेक्ट डिमांड लिखता है, अर्थात ऐसे समझिए आप 2 किलोवाट का आपने कनेक्शन लिया है। और उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है जमानत की राशि वो 1600 रुपया आपका जमा है, इनका अपडेट है। अगर आपका अपडेट नहीं है तो आप अपडेट करवा सकते हैं वितरण कंपनी से। उसके बाद है बिल डेज, अर्थात 28 दिन के बाद बिल बना है, इससे पिछला बिल 28 दिन पहले बना था। उसके बाद हम रीडिंग डिटेल देखते हैं दोस्तों। रीडिंग डिटेल में आप देखेंगे प्रीवियस रीडिंग का ब्यौरा ये है, करंट रीडिंग का ब्यौरा ये है। प्रीवियस रीडिंग का डेट भी दिया हुआ है 21/7 का, और फिर करंट जो रीडिंग हुआ है 18 अगस्त को जो बिलिंग हुआ है उसका है ये करंट रीडिंग। और स्टेटस ओके है, अर्थात रीडिंग पे बना है। अगर वो मीटर डिफेक्टिव पे बनता तो स्टेटस MD रहता, एवरेज पे बनता और रूमलॉक पे बनता तो PL पे रहता। उसके बाद आगे आइए दोस्तों, यहाँ बीच में जो स्पेस है दोस्तों ये मीटर का इमेज है, इसमें तो क्लियर नहीं आया लेकिन आप अपने बिल में देखेंगे अगर ठीक से लिया होगा मीटर रीडर तो आपको रीडिंग दिख जाएगा। यहाँ 2215 यूनिट का फोटो जो है मीटर में जो दिखा था वो यहाँ दिख रहा था बिल में। उसके बाद ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कंजम्पशन, कंजम्पशन हुआ आपका पिछला जो रीडिंग है और करेंट रीडिंग जो है उसका अंतर है, अर्थात 2215 में 2007 जब आप घटा लेंगे तो 208 है, चूंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैक्सिमम ऑलमोस्ट ऑल द जो भी घरेलू मीटर होता है, सिंगल फेज मीटर होता है या 3 फेज मीटर होता है, उसका एक ही रहता है, तो वही आपका कंजम्पशन यूनिट हुआ। रिकॉर्डेड डिमांड ये हो गया दोस्तों मैक्सिमम डिमांड जो उस मीटर में मिला। मैंने बिलिंग पे और मीटर के रीडिंग पे कि किस रीडिंग पे बिलिंग बनता है, क्या है मैक्सिमम डिमांड, इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो पावर फैक्टर जो है यहाँ 0 है, घरेलू है तो घरेलू में पावर फैक्टर से बिलिंग नहीं होता है लेकिन कॉमर्शियल के लिए ये भी उपयोगी है। तो सैंक्शन लोड 2 किलोवाट है इनका सैंक्शन डिमांड, और रिकॉर्डेड डिमांड 1 किलोवाट है, अर्थात विद इन लिमिट ये उपयोग कर रहा है। तो चूंकि कंजम्पशन 208 है तो बिलिंग जो हुआ है वो 208 यूनिट पे हुआ है और एक्चुअल रीडिंग पे हुआ है। कभी कभी आपका अगर पास्ट रीडिंग प्रेजेंट रीडिंग अगर सेम रहेगा तो यहाँ कंजम्पशन तो 0 यूनिट दिखाएगा लेकिन बिल्ड यूनिट वो एवरेज पे बना देगा,
तो वो भी आप चेक कर सकते हैं और अपने मीटर के रीडिंग को भी आप मिला सकते हैं। उसके बाद बिलिंग सेक्शन जो कैलकुलेशन है उसमें सबसे पहले पुराना ड्यू जो भी है एरियर वो दिखाता है। तो पिछला महीना जो ये करंट मंथ का बिल था उसे पिछला महीना इस उपभोक्ता ने पेमेंट नहीं किया था तो उसका बिल है। उसके बाद उस पे जो है ड्यूज चूंकि पिछला महीना का है तो वो करंट बिल में उसका ड्यूज दिखाए एरियर डीपीएस दिखाएगा दोस्तों। तो ये हो गया एनर्जी ड्यूज और फिर डीपीएस या अदर चार्ज होता है दोस्तों। कोई अगर आपका बिल सुधार हुआ है या कुछ अगर आपको फाइन लगा है या ऐसा भी आप कह सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो उसका जो रिबेट मिलता है उसका है। आजकल सुविधा ऐप के थ्रू बहुत सारे आपके काम हो जाते हैं जैसे लोड बढ़ाने का तो उसका भी चार्ज जो है अब आपको मैनुअल जमा करने की जरूरत नहीं है, पहले वो बिल में ही जोड़ के आता है तो वो सब भी अदर चार्ज में आपका लिखा रहता है। तो प्रीवियस जो एरियर है वो टोटल ए सब टोटल ए यहाँ जो लिखा है वो 298.86 रुपए हुआ। उसके बाद करंट बिल का कैलकुलेशन आता है तो जो आपका रीडिंग था दोस्तों उसका जो एनर्जी चार्ज है बिना सब्सिडी के वो है। फिर मैंने जो बताया था डीपीएस चूंकि पिछला ड्यूज है 298 तो एनर्जी ड्यूज पे तो डीपीएस लगता है वो 1.5% के दर से वो है। उसके बाद फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज 2 किलोवाट जो सैंक्शन लोड है उस पे है। उसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो कि 6% एनर्जी चार्ज का लगता है। वैसे मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाल दिया है जो बिल कैसे बनता है, आप चाहें तो डिटेल में इसको देख सकते हैं। तो ये करंट बिल का है और अदर चार्ज होता है अगर पिछला बिल आपका एवरेज पे बना है तो इस बार अगर रीडिंग पे बना है तो पिछला एवरेज वाला जो अमाउंट है यूनिट का वो घट जाएगा तो अदर चार्ज में जनरली निगेटिव में रहता है। कुछ अगर आपका चार्ज हुआ बिल कलेक्शन में करेक्शन में या कुछ घटा या कुछ बढ़ा तो वो भी अदर चार्ज में रहता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो ये जो सब्सिडी मिलती है दोस्तों जितना भी यूनिट आपका बिल्ड हुआ है उस पे मिलती है। यहाँ बिल्ड यूनिट 208 है तो यहाँ ये घरेलू है इसलिए 1.83 रुपए के दर से वो सब्सिडी मिली है, वो निगेटिव में रहता है अर्थात आपके बिल में ही सरकार सब्सिडी देती है और वो घटा के आपको सब टोटल भी यानी करंट बिल जो है वो आपको देता है कंपनी। तो पिछला एरियर हो गया, करंट बिल हो गया, उसके बाद अगर सिक्योरिटी वगैरह पे कुछ इंटरेस्ट मिला है सिक्योरिटी डिपॉजिट पे तो वो सब भी रहेगा और टोटल जोड़ के आपका ग्रॉस हो गया मतलब कुल बिल आपका 2256.98 रुपया हुआ। और 15 दिनों के अंदर अगर आप जमा कर देते हैं दोस्तों तो इसको देखिए आप राउंड ऑफ अगर कर देंगे तो 2257 रुपया होता है, वो टोटल 25 दिनों में आपको उतना जमा करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ड्यू डेट 15 दिनों का ही होता है तो 15 दिन में अगर आप जमा करेंगे तो ये ग्रॉस पे जो करंट बिल रहता है करंट बिल पे आपका रिबेट मिलता है। यहाँ रिबेट 15.93 रुपया मिला है वो घटा के आपको ड्यू डेट में फायदा हो जाएगा। साथ ही अगर आप ऑनलाइन जमा करेंगे तो उसमें 1% एक्स्ट्रा रिबेट मिलता है करंट बिल पे। और देख अगर आप 25 दिन के बाद जमा करेंगे दोस्तों तो फिर आपको करंट जो ड्यू जो भी है उस पे भी डीपीएस लग जाएगा। तो इसीलिए यहाँ दिया है जो 12/9 के बाद जो है आपको 1286 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद पिछला पेमेंट का डिटेल है दोस्तों, पिछला जो इस कंज्यूमर ने पेमेंट किया है। फिर जो है मीटर रीडर जो है मीटर रीडर का जो अपना आईडी होता है वो है और जो ये ऐप का वर्जन है वो है। उसके बाद ये जो है दोस्तों ये कंज्यूमर नंबर का बार कोड है और इसके लास्ट में आपको ये भी लिखा रहता है नीचे में सबसे जो ऑनलाइन पेमेंट पे आपको कितना रिबेट मिलने वाला है।